आंसर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट ऑन टू अ टेक्स्ट फाइल. अगर हमने कोई टेक्स्ट फाइल बना रखी है तो हमें उसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट, यानी कि हमें उस पर लिखना है. तो राइटिंग ऑन टेक्स्ट फाइल कैसे लिखेंगे, फाइल, इसका जो सिंटेक्स है हमारा फाइल डॉट, फाइल मीन्स फाइल ऑब्जेक्ट, राइट, स्मॉल में है डब्ल्यू आपका, ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग जो आपको लिखना है. ये तो हमारा सिंटेक्स है. देखिए डिड राइट मेथड मेथड टेक्स वन पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स आर्ग्यूमेंट दिस, ओके, विच इज द स्ट्रिंग, विच इज द स्ट्रिंग टू बी रिटर्न, जिसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, स्ट्रिंग को लिख रहे हैं. जो भी स्ट्रिंग हमें लिखनी है वो किसके अंदर लिख रहे हैं, पैरामीटर के अंदर लिख रहे हैं. रिटर्न टू स्टार्ट अ न्यू लाइन, टू स्टार्ट अ न्यू लाइन आफ्टर राइटिंग द डेटा, आफ्टर राइटिंग द डेटा एड अ, क्या ऐड हो जाएगा इसमें, बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन कैरेक्टर टू द एंड, एंड में आपका बैक स्लैश एन जो है वो ऐड हो जाएगा स्ट्रिंग में. अब हमें पहले क्या करना है, इसमें राइट करना है. तो कुछ भी अगर हमें राइट भी करना है या हमें रीड भी करना है तो सबसे पहले हमें उस फाइल को ओपन करना होता है. तो हम कैसे क्या सिंटेक्स लिखेंगे, फाइल, फाइल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, आप इसकी जगह कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि फाइल वर्ड ही यूज़ होगा. फाइल इज इक्वल टू ओपन, क्या ओपन करें हम, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, जो कि हमने कल की क्लास में फाइल बनाई थी, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, एंड उसको किस मोड में ओपन करें, डब्ल्यू मोड में. तो इस फाइल को जब हम डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं तो जो कंटेंट इसमें पहले लिखा हुआ था, जो हमने कल की क्लास में लिखा था, वो सारा कंटेंट हमारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको किस मोड में ओपन किया है, डब्ल्यू मोड में. अब हमें इसके ऊपर कंटेंट लिखना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये फाइल हमारी इसमें स्टोर हो गई है. तो फाइल डॉट राइट जो भी कंटेंट हम इसमें लिखना चाहते हैं, दिस इज अ टेस्ट, ठीक है, ये हम इसमें लिख देंगे, दिस इज अ टेस्ट. एंड और भी हम कुछ ऐड करना चाहते हैं नेक्स्ट लाइन में, फाइल डॉट राइट एंड हेयर इज अनदर लाइन, एंड हेयर इज अनदर लाइन, ठीक है, एंड देन हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे. क्योंकि जब भी हमें पता है कि हम किसी फाइल को ओपन करेंगे तो उस फाइल को हमें क्लोज भी करना है. तो अगर हमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें अपनी फाइल को सबसे पहले तो डब्ल्यू मोड में ओपन करना होगा, और उसके बाद फिर राइट फंक्शन की हेल्प से, जैसे अगर रीड करना है तो रीड फंक्शन की हेल्प से हम कंटेंट को रीड करते हैं, और अगर हमें राइट करना है, कोई डेटा हमें उस पर लिखना है, तो हम उसको राइट फंक्शन की हेल्प से ही राइट करेंगे. अब जैसे रीड लाइन था, ऐसे ही क्या है हमारे पास, राइट लाइन फंक्शन भी है, ठीक है, हम एक एक लाइन को रीड कर सकते हैं, तो हम एक एक लाइन को रीड, सॉरी राइट भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट फंक्शन इज राइट लाइन
फंक्शन। राइट लाइन फंक्शन, ओके। विद द राइट लाइन फंक्शन यू कैन राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू अ फाइल। विद द राइट लाइन्स फंक्शन, राइट लाइन्स फंक्शंस यू कैन राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। ठीक है कि राइट लाइन फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन की हेल्प से हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यानी बहुत सारे स्ट्रिंग हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे यूज करेंगे हम इसे, अब देखते हैं। नॉर्मली हमने एक ले लिया एफ एच, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपन हेलो डॉट टी एक्स टी, ये हमारे फाइल का नेम है। अगर हमारी इस नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो ब्लैंक हो जाएगी, और इन केस अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है देन इट विल बी क्रिएट। नेक्स्ट लाइन्स, इट इज ऑल्सो वेरिएबल, इज इक्वल टू लाइन्स में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हमें क्या लिखना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, क्या लिखा है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो अब हम उन्हीं स्ट्रिंग की क्या बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट आप लोगों को पता ही क्या होता है, ठीक है। तो लिस्ट बनाएंगे हम, अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, अनदर लाइन ऑफ टेक्स्ट, एंड अ थर्ड लाइन। ठीक है, तो हमारी तीन लिस्ट बन गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। एक लिस्ट का नेम है लाइन, और उसके अंदर हमारे थ्री एलिमेंट्स हो गए, लाइन ऑफ टेक्स्ट, अनदर लाइन ऑफ टेक्स्ट और थर्ड लाइन। अब हम इन तीनों को इस फाइल के अंदर हेलो डॉट टीएक्सटी में राइट करना चाहते हैं, तो राइट किसकी हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से। तो एफ एच डॉट फंक्शन यूज करेंगे, राइट लाइन्स, लाइन्स है ये राइट लाइन्स, एंड लाइन ऑफ दिस लाइन्स, यानी कि जो ये स्ट्रिंग है वो हमने इसमें एंटर कर दी, एंड देन एफ एच डॉट क्लोज, और इस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो हम कैसे कर सकते हैं, लाइन राइट लाइन्स को यूज करके भी हम बहुत सारी लिस्ट को, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को भी राइट कर सकते हैं। राइट में आपका इतना ही है, नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है क्लोज फंक्शन। ठीक है, जो क्लोज फंक्शन हम यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फाइल डॉट क्लोज हम यही यूज करते हैं, फाइल डॉट क्लोज। ओके, वेन यू आर डन विद द फाइल, फाइल क्लोज हम इसलिए यूज करते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम उसको क्लोज करके उसकी जो मेमोरी, जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे फाइल के अंदर, तो वो रिसोर्सेज कोई ना कोई मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो जब हम क्लोज कर देते हैं फाइल को तो हमारी वो जो मेमोरी है वो फ्री हो जाती है, यानी वो रिसोर्सेज हमारे रिलीज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, व्हेन यू आर डन विद द फाइल, डन विद अ फाइल कॉल, तो हम किसको कॉल कर रहे हैं, एफ डॉट क्लोज, यहाँ पे कॉलिंग ही हो रही है, आपको बहुत अच्छे से पता है फंक्शंस कैसे काम करते हैं। टू क्लोज इट एंड फ्री अप
एनी सिस्टम रिसोर्सेस, फ्री अप एनी सिस्टम रिसोर्सेस टेकन बाय द by the open file, ठीक है कि जो भी हमारी फाइल है डेटा जो है वो रिसोर्सेज ने जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है वो उसको फ्री कर देगा, इसलिए हम app dot close को यूज करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि एक और तरीका है जिससे हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं, एक विद वर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम फाइल को ओपन करते हैं, ठीक है विद ओपन। अगर हम अपनी फाइल में विद कीवर्ड यूज कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ इस तरह से विद ओपन एंड देन फाइल नेम, ये नहीं है डबल कोट्स नहीं है एस फाइल, क्योंकि ये सिंटेक्स है ना इसलिए। इस तरह से अगर हम इस विद वर्ड को यूज कर लेते हैं तो हमें अपनी फाइल को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्या करती है हमारे रिसोर्सेस को फ्री कर देती है, ठीक है लाइक एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, बस विद ओपन हेलो डॉट txt विद राइट मोड एज एफ, तो एज एफ जो है ना ये एफ ऑब्जेक्ट है, एज जो वर्ड हम यूज करें ये हमारे अलाइज होते हैं। अलाइज क्या होता है कि जैसे कि आपने एक कॉलम है टेबल के अंदर उसका नाम दे रखा है स्टूडेंट नेम, ठीक है अब हम उसको एक अलाइज उसका कर देते हैं ओनली नेम। तो अगर हम कहीं पे बात कर रहे हैं एक तरीके से उसी का जैसे हमारे निक नेम होते हैं, तो वो भी हमारा रियल नेम भी हमारा है हमारा निक नेम भी हमारा है, तो ऐसे ही अलाइज होते हैं कि आपने क्या करा है जैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते थे ना एफ फाइल, तो ये भी एक तरीके से हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, जब ये ओपन हुआ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर हो गया, ठीक क्योंकि हम विद के साथ यूज कर रहे हैं इसलिए हम आपको इस तरह से लिखना है, ये इसका सिंटैक्स है। एफ डॉट राइट क्या लिखना है हमें, जो भी हम कंटेंट लिखना चाहते हैं वो हम यहाँ राइट कर देंगे हेलो वर्ल्ड। अब हमें यहाँ पे अपनी फाइल को क्लोज करने की कोई नीड नहीं है, फाइल हमारी ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाएगी, ठीक है चलिए अब एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें इम्पोर्ट ओएस। ओएस मीन्स आप जानते हो ओएस का मतलब होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम इस फाइलर में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इम्पोर्ट करें, क्योंकि जब हम वर्ड लिख रहे हैं इम्पोर्ट ओएस इट मीन्स हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्पोर्ट करें। इम्पोर्ट आप लोगों को पता ही क्या होता है, ठीक है जहाँ पे हम अपने फाइल्स को पैकेज को या फिर हम पाइथन की लैंग्वेज में बात करें तो मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि हमारी फाइल का पाथ कहाँ है, मतलब पाथ मीन्स कि हमारी फाइल कहाँ पर स्टोर है, ठीक है हमारी फाइल कहाँ पर स्टोर है ये हमें पता चलता है। तो दिस फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है, चलिए पहले सिंटैक्स बताती हूँ, ओएस डॉट पाथ डॉट इस फाइल फाइल पाथ हेयर मीन्स कि दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ फाइल पाथ हेयर इज एन एग्जिस्टिंग रेगुलर फाइल, मतलब कि देखिए जब वर्ड फंक्शन कौन सा यूज हो रहा है इज फाइल, और ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी स्ट्रिंग में कि जब वर्ड इज आ जाता है इज इट मीन्स कि हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं हम उससे पूछ रहे हैं, तो उसका जो रिप्लाई आता है वो किस में आता है ट्रू या फॉल्स में, कि जो हम पूछ रहे हैं
या तो वो ट्रू है सच है या फिर वो फॉल्स है रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फाइल का मतलब हम इससे ये पूछ रहे हैं कि ये फाइल जो है हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, जो भी हमने पाथ मेंशन किया है वो फाइल हमारी एग्जिस्ट करती है इस पाथ पर या नहीं करती। तो ये इस चीज को ट्रू या फॉल्स में हमें रिटर्न करता है। अगर हमें रिमूव करना है या रिनेम करना है फाइल को, तो उसका हमारा सिंटेक्स है OS। अगर हमें किसी फाइल का नेम रिमूव करना है, किसी फाइल को रिमूव करना है, तो ठीक है, रिनेम करना है तो रिनेम यानी कि नेम को चेंज करना है, तो ओल्ड फाइल जो पहले फाइल थी वो, और जो हम न्यू फाइल उसको देना चाहते हैं वो नेम हम यहाँ मेंशन कर देंगे। और अगर हम रिमूव ही करना चाहते हैं, उस फाइल को डिलीट ही करना चाहते हैं, तो os.remove एंड देन फाइल नेम। तो ये जो हमारी फाइल है, दिस फाइल विल बी डिलीटेड या रिमूव। तो ये हमारे os के ऑपरेशंस हैं। अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, समझाती हूँ। इम्पोर्ट OS, अगर हमें OS को यूज करना है तो हमें उसे इम्पोर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो इफ os.path.isfile hello.txt F equal to open hello.txt in read mode and C is equal to 0 and then ये while जो है हमारे if के साथ ही है, if के अंदर ही है, while true and then while के अंदर line is equal to f dot read line if not line then break otherwise str is equal to line dot strip and a is equal to str dot lower dot split for I in a and if I is equal to do C equal to C plus 1 and then print while के साथ है आपका print count do words एंड एफ डॉट क्लोज, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का जो नेम है उसका नेम ये है कि काउंट हाउ मैनी डू और डू वर्ड्स आर देयर इन द टेक्स्ट फाइल। मतलब कि अगर एक टेक्स्ट फाइल है जैसे कि हेलो है, हेलो डॉट टी एक्स टी नाम की एक फाइल है हमारे पास, तो इसके अंदर डू कितनी बार जो है लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यू कैन डू एंड यू कैन डू ऑल्सो, यू कैन डू पहले आ जाएगा, ठीक है, इसे देख लीजिए, ये इस तरह से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हमें, हमारे पास एक ये फाइल एग्जिस्ट करती है और वो ऑलरेडी उसमें डेटा जो है रिटर्न है। हमें इस फाइल में से डेटा को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फाइल हमारी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम ये फर्स्टली हमें चेक करना है कि ये फाइल हमारी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। तो हम लिखेंगे os.path.isfile.hello.txt। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो hello.txt नेम की फाइल है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है, अगर इफ लिखा है ना यहाँ पे, अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रू आ जाएगा रिटर्न। तो ट्रू है तो हमारा इफ ब्लॉक रन होगा और ये पूरा प्रोग्राम हमारे इफ ब्लॉक के अंदर है। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ही अंदर का काम फंक्शनिंग हो, अगर फॉल्स है तो कुछ भी ना प्रिंट हो। तो अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो ट्रू होने के बाद हमने फाइल को क्या करा, रीड मोड में ओपन करा, हमने फाइल को रीड मोड में ओपन करा, उसे एफ में स्टोर कर दिया। अब हमने सी एक वेरिएबल लिया है जिसे हमने लिया है जीरो, कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं स्टार्टिंग में कि कोई भी डू नहीं है, हमने एक भी डू को काउंट नहीं करा। अब हमने वाइल लूप लिया कि वाइल इन्फिनिटी ट्रू, कि हम जब तक ये ट्रू रहेगा, मतलब ये हमेशा ट्रू रहेगा जब तक ये ब्रेक करके बाहर ना आ जाए। जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था कि वाइल जो है हमारा वो इन्फिनिटी लूप हमने बनाया है, जब हमेशा नहीं बनता ये ट्रू। वाइल हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर कंडीशन ऐसी है कि हमें उसका सारा कंटेंट रीड करना है लेकिन हमें नहीं पता कि कंटेंट कितना है, तो हम कंडीशन कहाँ ट्रू करेंगे, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कंडीशन कहाँ पे जाके फॉल्स होगी। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसे इन्फिनिटी लूप बना देते हैं और बाद में हम ब्रेक करके उस लूप को टर्मिनेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वाइल लूप जो है वो ट्रू ले लिया है, यानी इन्फिनिटी लूप, कि वो चलता ही रहे, हमेशा चलता रहे। अब लाइन एक वेरिएबल है जिसमें हमने रीड लाइन फंक्शन को यूज़ किया है। तो रीड लाइन फंक्शन ने क्या करा, पहली लाइन रीड करी, यू कैन डू एंड, ठीक है। इफ नॉट लाइन, अगर लाइन में कुछ भी नहीं है, अगर उसने कुछ भी रीड नहीं करा, इट मीन्स ये पूरी फाइल क्या है हमारी, ब्लैंक। अगर वो ब्लैंक है तो ब्रेक करके बाहर आ जाए और कुछ भी प्रिंट ना हो, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब डू भी नहीं लिखा है। बट यहाँ पे लाइन में तो स्टेटमेंट है हमारे पास। तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि str इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप, जो ये स्ट्रिप फंक्शन है ये क्या करता है कि इस वर्ड से पहले जितना स्पेस है और इस वर्ड के बाद जितना स्पेस है उन सारे स्पेसेस को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। इन सबको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और रिमूव करके इस सारे कंटेंट को str के अंदर स्टोर कर देगा, या ये कह लीजिए लाइन को स्टोर कर देगा। अगर इसने फर्स्ट लाइन रीड करी है, लाइन फंक्शन ने फर्स्ट लाइन रीड करी है, तो इसने इस फर्स्ट लाइन को इसके अंदर str के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें वर्ड को रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ वहाँ से इसको स्प्लिट करना होगा। तो अब इसने क्या करा कि str के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट आ गई, इस पूरी स्टेटमेंट को पहले लोअर में कन्वर्ट करा, ठीक है। पहले किस में कन्वर्ट करा, लोअर ऑर्डर में। तो यू कैन डू एंड, लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्प्लिट कर दिया। तो अब यू अलग हो गया, कैन अलग हो गया, और डू अलग, एंड अलग, ये तीनों स्प्लिट हो गए, सॉरी फोर के फोर हमारे स्प्लिट हो गए, और स्प्लिट होने के बाद ए के अंदर स्टोर हो गए, ठीक है। यू कैन डू एंड, ये चारों वर्ड हमारे स्टोर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा वर्ड हमारा डू है। तो फॉर लूप क्या करेगा, फॉर आई इन ए, तो आई में सबसे पहले क्या आएगा, ए में से निकल के, तो सब ए के अंदर है, तो सबसे पहले आएगा यू। अब वो चेक करेगा कि आई में जो यू है क्या वो डू के इक्वल है, नहीं, तो सी जो है वो इंक्रीमेंट ही नहीं होगा। सी कितना है, जीरो, यहाँ हमने लिया था सी जीरो, ठीक है।
अब ये लूप फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप है तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा, तब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक ए के अंदर वर्ड्स है, सीक्वेंस है। अब ये क्या करेगा, कैन को एक्सेस करेगा, फिर कैन को मैच करेगा, नहीं मैच हुआ, फिर डू को मैच करेगा, लास्ट में उसने डू को मैच करा, तो डू जब इसके अंदर आया तो वो हो गया ट्रू, तो सी कितना हो गया, 0 + 1 = 1। लेकिन ये यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो एंड भी है, तो ये दोबारा चलेगा, एंड को मैच करेगा, मैच नहीं हुआ तो फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी वाइल लूप के तो अंदर ही है, वाइल लूप तो अभी हमने टर्मिनेट ही नहीं करा है, तो ये क्या करेगा, दोबारा से वाइल लूप के पास जाएगा, फिर वो रीड करेगा लाइन, तो अब कौन सी रीड करेगा लाइन, सेकेंड लाइन रीड करेगा, अब वही सेकेंड लाइन दोबारा से ऑपरेशन परफॉर्म होगी, फिर दोबारा से वो जाएगा, अब जब रीड करेगा लाइन तो उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सॉरी वो ब्लैंक हो जाएगा, और जब कुछ भी नहीं है तो यानी इफ़ नॉट लाइन, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू, और जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सी में कितने वर्ड आ गए, एक तो डू ये है हमारा और एक डू वो है, तो दो बार हमारे डू काउंट हो गए, तो प्रिंट स्टेटमेंट अब प्रिंट करेगा वो काउंट डू वर्ड्स, ये तो काउंट डू वर्ड्स कितने, टू, और क्लोज हो जाएगी हमारी फाइल। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है रन करेगा, और हमारी फाइल के अंदर कितनी बार, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स एग्जिस्ट डू, तो कितनी बार हमारा डू एग्जिस्ट करता है वो हमें शो करेगा। तो इस तरह से प्रोग्राम होगा लूपिंग की हेल्प से, जब सीक्वेंस चलते हैं तो लूपिंग होती है। ठीक है।